हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोमेंटम, इनर्शिया, एंट्रोपी एंड होमियोस्टेसिस की। मोमेंटम में एक पैटर्न सेट हो जाता है जो चेंज से रिजिस्ट करता है, जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप काफ़ी दिन से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है। बट अगर बीच में आप ब्रेक ले लें तो वो आपका जो मोमेंटम है वो टूट जाता है, फिर आपको फिर से दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ती है टू रीच दैट मोमेंटम। Inertia is a tendency to not to change anything happening around you. It's a sort of inactivity जिसमें हमारा कुछ भी काम करने का या एफर्ट लगाने का मन नहीं करता। Entropy means uncertainty. हमारा ब्रेन मेजर करता है कि एंट्रॉपी कितनी है। अगर एंट्रॉपी हाई हो तो हमको एंग्जाइटी हो जाती है। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बॉडी की ऐसी एबिलिटी है जिस पे वो एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है।